और गाइस यहाँ पे अलमारी का सामान आ चुका है, ये चेक करो, शीट्स आ गई हैं क्योंकि मुझे चाहिए थी वाइट कलर की अलमारी, तो वाइट कलर का ही जैसा मैंने बोला था ना सेम वैसा ही सामान लेकर आए हैं राशिद और कारपेंटर। और ये देख लो कितनी लेकर आए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शीट्स की पूरी अलमारी बनेगी। और बाकी ये वाली शीट जो है ये बैक साइड पर लगेगी। उसके अलावा यहाँ पर है ये हैंगर का पूरा, जिस पे कपड़े हैंग करेंगे ना, तो मुझे एक ही खाना हैंगर का चाहिए, इस वजह से ये एक ही लेकर आए, क्योंकि मेरी अपनी जहेज की अलमारी में ऑलरेडी 2 खाने हैंगर के दिए हुए हैं, वो इतने ज़्यादा यूज़ में आते भी नहीं है, तो इस वजह से एक ही। और अभी हमारा कारपेंटर जो है वो गया है, वो कुछ सामान अपना भूल के आ गया था घर पर, तो वो गया है, कह रहा है आधे घंटे में ही आ रहा, ठीक है, तो वो जैसे ही आता है फिर ये अलमारी का काम स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे भी होगा जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। और अभी हम लोग आए हैं अम्मी के, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है ना उस पर मैंने मीन्स अफान को बोला है कि रिदा के साथ कि वो रिदा के साथ जो है एक थैंक यू का मैसेज रिकॉर्ड करें, ताकि हम अपने फॉलोवर्स को थैंक यू कर सके। जी मामू के साथ क्या? हाँ मामू के साथ बनाएंगे, सही है फन बनाए रेडी। हाँ अभी बनाती हूँ ड्रेस की। एंड यहाँ पे बन रही है चाय शाम की, अच्छा आज की चाय हम लोग पियेंगे अम्मी के साथ यहाँ पर, ठीक है। कल हमने चाय के साथ बर्गर खाया था, भूख लग रही थी। यहाँ पे ये चेक करो कितना बड़ा बड़ा लहसुन है, ये देखो पता नहीं चाइना का है अमेरिका का या अफ्रीका का है, कौन सा लहसुन है, इतना बड़ा बड़ा जगह है इसका, ये देखो मैं भी देख के ना हैरान हो गई थी कितना बड़ा बड़ा है। अम्मी ये कौन लाया है ये लहसुन, कहाँ से ले आए ये इतना बड़ा, ये देखो। अच्छा इसका एक पीस लहसुन का एक फिंगर जितना है मेरी, ये देखो और कितना मोटा है ये देखो, ये 2 किलो लहसुन 1100 रुपये कहाँ से लाए इतना महंगा लहसुन पता नहीं, और लाए क्यों है तो घर के लिए इस्तेमाल के लिए। अरे बाल कलर हुए नहीं ना, देख हाँ हुए, हाँ नहीं हुआ, खराब होगा वो कलर, अभी अच्छा वाला कलर लगाना होगा, सही होता है। गाइस कल अम्मी को जाना था शादी में गोल्डन वाला, और रिदा फरमाइश कर रही है गोल्डन वाला कलर लगाना, नहीं नहीं गोल्डन अच्छा नहीं लगता, अच्छा चलो सही है गोल्डन वाला। अम्मी को जाना था शादी में, तो फिर मैंने कहा चलो अम्मी के बाल आगे से थोड़े से कलर कर देते हैं, काफ़ी वाइट कलर है। अच्छा अम्मी को है ना, अम्मी शादी में गई तो वहाँ पर फ्रेंड्स थे या आपके फैंस थे सब्सक्राइबर्स थे? सब्सक्राइबर्स को कह रही है सरप्राइजेस, कौन थे रिदा? सरप्राइज या सब्सक्राइबर्स हैं? सरप्राइजेस अम्मी बताएंगी कि क्या हुआ वहाँ पे, अम्मी बताओ। बस पूछ आएंगी मेरे से मिलने, कहने लगी आप हमें नहीं पहचानी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानती, कहने लगी वो मैं सबकी शादी है वो छोटे बच्चे होंगे, मैं तो बहुत टाइम से जा रही हूँ ना, तो कहने लगी हम आपको जानते हैं, मैंने कहा अच्छा, कहने लगी आप अस्मा की अम्मी है ना, मैंने कहा भाई रिदा का पूछा होगा, रिदा का हाँ नहीं, एक ने पूछा था आप रिदा फातिमा की नानी है, मैंने कहा जी, कह रही है हम सारे व्लॉग देखते हैं, हमें बहुत पसंद है इनके व्लॉग, हम आप लोग फार्म हाउस गए थे वहाँ के भी हमने देखे थे, अस्मापी कितनी अच्छी लग रही थी, अस्मापी को भी लेकर आती शादी में, मैंने कहा नहीं अस्मापी की दावत नहीं, हमारी दावत नहीं थी। अब क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है इसको, क्यों कह रही है रिदा रिदा रिदा, आपके ही नाम से पहचाना था, आपको ही जानते हैं सब, मम्मी को थोड़ी कोई जानता है, आपको जानते हैं, नहीं नहीं आपको जानते हैं, आपको क्या कंफ्यूज कर रहे हैं उसको, अच्छा मामू पे कितनी लड़कियों का दिल आया है ये देखा, कमेंट पढ़े तुमने उस वीडियो में, इतनी सारी लड़कियों को मामू की स्माइल पसंद आई है। अच्छा तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग घर आ चुके थे, क्योंकि कारपेंटर का कॉल आ गया था कि मैं आपके घर के बाहर बैठा हूँ, तो हम लोग जल्दी जल्दी अम्मी के घर से निकले, तो वाकई में वो घर के बाहर बैठे हुए थे, और यहाँ पे काम भी स्टार्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हो, कटिंग शटिंग कर रहे थे तो कुछ सामान कम पड़ गया, तो अभी गए हैं दोबारा से कुछ सामान लेने, मेरा रूम बन रहा है, रिदा का रूम बन रहा है गाइस। अच्छा रिदा जो है ना
वो यही कह रही है कि मेरा रूम बन रहा है, मेरा रूम बन रहा है, उसको यही बोला है, क्योंकि ये जो जो कबर्ड बन रहा है ना वो बेसिकली बन ही रिदा का रहा है, तो इस वजह से ये कह रही है कि मेरा रूम बन रहा है। अच्छा और यहाँ पे ये चेक करो, झूला उतार दिया है, घर रखोगी? ठीक है, झूले को अभी फिलहाल वहाँ पे रख दिया है क्योंकि यहाँ पे काम करने में वो डिस्टर्ब करता। कपड़े रखोगी? खुद ही रखोगी आप अपना? नहीं अब आप खुद रखना, अब आप बड़ी हो गई हो ना, तो छोटा वाला बनवाना। नहीं ना बड़ा बनवाऊंगी। नहीं छोटा। तो नाउ यू आर अ बिग गर्ल, फिर छोटा वाला लगवाना। छोटा वाला लगवाऊं? छोटा वाला इसी तो लगवाना, बस नहीं बस थोड़ा सा नीचे। ठीक है सही है। यहां तो ये छोड़ गए। कहां छोड़ गए? अभी अंकल आ रहे हैं वापस लेंगे, फिर जाएंगे वापस। हाय गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मेरा रूम मिल रहा है छोटी, क्योंकि रूम बन रहा है आपका। हाँ। ठीक है, फिर आप अलग अपने रूम में सोया करोगी। हाँ। मम्मी डैडी? हाँ। लल्ला कौन सुनाएगा? मम्मी सुनाएंगी। हाँ? आपको आता है ना लल्ला, याद हो गया ना आपको लल्ला? नहीं नहीं आप मुझे जब पाप जब मैं आपसे बुलाऊंगी ना लल्ला सुनाने के लिए, फिर आप आ जाना मुझे लल्ला सुनाना। ठीक है, लेकिन आपको याद तो हो गया है ना लल्ला? नहीं। हाँ। चलो जल्दी से आप गाइस को सुनाकर दिखाओ। बिस्मिल्लाह हे रहमान हे रहीम रबर सिडनी एल्मा ओडोड अंकलीज माय नॉलेज आमी। वेरी नाइस। एंड कलमा लाइलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वेरी नाइस। और यहाँ पे जो है आशिद आ चुके हैं, कारपेंटर भी आई है। कहाँ चले गए थे? जी ये देखें, ये सामान कुछ रह गया था जब से ये कटिंग हो रही थी इस छोटी वाली मशीन से। काम आपके काम का टेबल है? ये देखिए ये टेबल यहाँ पर आ गया है, अब अच्छे से काम होगा, अब सही से काम होगा। अब तो फिर से लाइट जाने वाली है। कटिंग करेंगे ना, इस पे कटिंग होगी सारी। क्या बनाएंगे? बनाएंगे क्या बनाएंगे? कबर्ड बनाएंगे ना। मेरा जी आपका। और ये पर्पल वाला कपल बनाएंगे आपके रूम में, पर्पल का इसको ये ना लाइट में पर्पल लग रहा है, अंदर देंगे ठीक है। चलो अंकल से पूछ लो कितने दिन में बनाएंगे आप हमारी अलमारी को। कितने दिन में बनाएंगे हमारी अलमारी को? संडे, संडे को बन जाएगी। पहले संडे अभी अभी मम्मा ने अलमारी बन रही है। हाँ अलमारी बन रही है। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं कि दो दिन में जो है बना के निपटा देंगे, आज के दिन सामान आया और कल संडे है, कि कह रहे हैं संडे तक पूरा काम हो जाएगा। नाउ लेट्स सी कि संडे तक काम होता है या नहीं। चलो रूम में जाओ, एक्साइटमेंट देखो, रूम में जाओ। देखो मैं कह रही थी ना लाइट चली जाएगी, नौ बजे गई, अभी आएगी 12 बजे। अभी बनाएंगे, आप देखो क्या करते हैं। लेकिन ये फिटबिट को कर दो। अच्छा गाइस किचन के बॉक्सेस देख रहे हो ना, अच्छा ये वाले बॉक्सेस भी ना इन्होंने ही बनाए थे और बहुत अच्छे बनाए। इसका पूरा जो है वो मैं विजिट आप लोगों को करवाऊंगी, टूर दूंगी पूरे किचन का, ये बॉक्सेस भी सारे आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत अच्छा काम करते हैं। अब अलमारी बनवा रहे हैं रूम की, तो तब भी हमने इन्हीं को बुलाया, बहुत फास्ट और अच्छा काम कर। अभी रिदा ने ना ये 20 रुपये दिए हैं राशिद को और कह रही है कि इसमें ना डैडी मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें ले आना, अब ज़रा चीज़ें पूछो राशिद से, पूछो राशिद से क्या क्या लाना है। डमी बियर, चॉकलेट, छोटी वाली और बॉल वाली चॉकलेट, फिर बस। चलो ऐसे इसमें आएंगी ये चीज़ें। राशिद अब आपकी किफायतशारी पता चलेगी कि आप इन 20 रुपए में इसके लिए सारी चीजें किस तरह लाते हो। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बोतल, पता नहीं क्या क्या बोला उसने। और मुझे पता है एक बाप मैनेज कर सकता है। हाँ राशिद। ओए इसमें कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, जूस सब आ जाएगा, देखियो। नहीं भाभी ने सही बोला ना। एक बाप मैनेज कर सकता है, मैं सही बोला। खुशी देखो, खुशी देखो उसकी। तकरीबन 50 साल पहले जाना पड़ेगा, ये सारा सामान है ना, से निकल जाएगा। नहीं मैं नोट नहीं लेगा कि यार, मैं कह रही हूँ ना एक बाप कर सकता है राशिद। तो नहीं बनाएंगे अभी, देखो लाइट चली गई ना।
अभी जा रहे हैं, टाइमिंग तो बहुत खराब है। अच्छा अभी वापस से शीट्स वापस रख रहे हैं क्योंकि लाइट चली गई है। अब या तो अब आएगी रात को 12 बजे, तो 12 बजे काम होगा। हाँ तो फिर इंशाल्लाह सुबह जब आएंगे तो फिर ये काम यहीं से स्टार्ट होगा।